हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो हमारा वीडियो है, इसमें हम हेयर्स ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने एक कलर पेंसिल से एक फेस ड्रॉ कर रखा है, लेकिन ये कलर पेंसिल का होल ट्यूटोरियल नहीं है। ये जो ड्राइंग है, ये इसका साइज़ बहुत छोटा है। ये A4 साइज़ का मैंने पेपर लिया हुआ है इसमें। तो इसमें कलर पेंसिल के जो आपको फेस दिख रहा है, ये सिर्फ जस्ट 4 सेंटीमीटर है। तो इतनी सी डिस्टेंस में फेस में जो मैंने कलर यूज़ किए हैं, वो दिखाना पॉसिबल नहीं था। तो ये इसका सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है, और इसमें मैं हेयर्स को ही ड्रॉ करना दिखाऊंगी। हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए मैं कलर पेंसिल यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ करते हैं ब्लैक। लेकिन ब्लैक कलर अगर ना हो, या ब्लैक कलर पेंसिल कभी कभी किसी पेपर पर, जैसे कि ये आइवरी शीट है मेरे पास, इस पर जो ब्लैक पेंसिल है वो इतना डार्क नहीं चलती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सोचा उसका सब्स्टिट्यूट क्या है। तो यहाँ पर मैंने स्टेडलर की पेंसिल यूज़ की है। यस, स्टेडलर डबल ई पेंसिल, जो कि रियल में बहुत डार्क होती है। और इसके डार्क होने का रीज़न ये है कि ये पूरी तरह से ग्रेफाइट नहीं है। इसमें 50% ग्रेफाइट एंड 50% चारकोल है, जिसकी वजह से इसकी डार्कनेस बहुत ज़्यादा है। और 50% चारकोल ओनली होने की वजह से एक इसका प्लस पॉइंट है कि जब हम इसे ब्रश से ब्लेंड करते हैं, तो चारकोल पेंसिल की तरह इसमें डस्ट नहीं होता है। तो ये आपकी ड्राइंग को ख़राब नहीं करेगी। तो कलर पेंसिल के साथ आप हेयर्स के लिए या ड्राइंग में कहीं भी ब्लैक ब्लैक पोर्शन, जहाँ ब्लैक लाइंस आपको चाहिए, कुछ भी वहाँ पर आप इसको अच्छे से कलर पेंसिल के साथ यूज़ कर सकते हो। ये आपकी कलर पेंसिल में जो आपने कलर्स, एक्स्ट्रा कलर्स यूज़ किए हैं, उन्हें ख़राब नहीं करेगी। ये जो ब्लू पेंसिल आप देख रहे हो, ये वही है, स्टेडलर डबल ई पेंसिल। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्राउन पेंसिल, येलो पेंसिल, ग्रे पेंसिल, ये मैंने हेयर्स के स्ट्रोक्स जो बीच बीच के शाइनिंग पार्ट है, उसके लिए यूज़ किया हुआ है। और क्योंकि ये पेंसिल है, तो यहाँ इसे हम मोनोज़ीरो से बहुत इजीली इरेज भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा इरेज हो जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा अगेन आप ब्लैक कर सकते हो। तो ये बहुत इजी है हैंडल करने में। तो अभी हम आगे के हेयर्स ड्रॉ करेंगे, और उसके लिए भी यहाँ पर यही पेंसिल यूज़ करेंगे। हेयर्स के जो स्ट्रोक्स हैं, वो जैसे कि हमारे ड्राइंग में दिख रहे हैं रेफरेंस में, हमें सेम वैसे ही ड्रॉ करेंगे। उसी डायरेक्शन में उसे आगे बढ़ाते जाएंगे। जहाँ पर होल डार्क है, उसे होल डार्क करेंगे, डीप डार्क। और जहाँ पर स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, कुछ हमें लाइट पोर्शन दिख रहा है, तो वो एरिया हम थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए जाएंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ स्टेडलर की डबल ई पेंसिल को यूज़ किया है हेयर्स के लिए। एक्चुअली जो भी कलर पेंसिल हमारे पास होती है इन चीप प्राइस, तो उनका जो ब्लैक कलर होता है, उसका ब्लैक कलर भी एक्चुअल ब्लैक नहीं होता है। हमें वो ब्लैकनेस, वो डार्कनेस नहीं मिल पाती है जो हमें चाहिए। कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं, जैसे कि स्टेडलर या प्रिज्मा कलर्स, हाई ब्रांड्स जो भी हैं, बट वो हमारे बजट के बाहर होते हैं। तो उनका ब्लैक कलर रियल ब्लैक होता है। स्टेडल का ब्लैक भी काफ़ी डार्क है। बट यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया हुआ है कलर फेस ड्रॉ करने के लिए, और बाकी पोर्शन के लिए जो भी मैं इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करूँगी, वो पेंसिल कलर डॉम्स एंड फाइबर कासल, ये मेरे पास मिक्स मिक्स में है। मैं एक साथ ही इन्हें यूज़ करती हूँ, जैसे कि नीड हो। तो यहाँ पर मैंने हेयर्स में जितना डार्क पोर्शन मुझे दिख रहा था ब्लैक, वो मैंने डबल ई पेंसिल से इसको कंप्लीट कर लिया है। अभी मुझे जो वाइट पोर्शन दिख रहा है, वहाँ पर मैं लाइट ब्राउन कलर, एक्चुअली ब्राउन का ये मीडियम टोन है, ये फाइबर कासल है। जो अगर कलर पेंसिल की स्मूथनेस की बात करें, तो फाइबर कासल से अच्छा मुझे डॉम्स लगा। जबकि डॉम्स का जो प्राइस है, वो फाइबर कासल से काफ़ी कम है। आई थिंक फाइबर कासल का प्राइस होगा
फोर टाइम्स ज़्यादा है डॉम से, 400 समथिंग। एंड डॉम्स आपको मिल जाते हैं 24 कलर्स 100 रुपीज़ में। तो उनकी स्मूथनेस और उनकी जो कलर की जो ब्राइटनेस लेवल है, जो हमारी डार्कनेस है, वो डॉम्स में ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर मैं मोनोज़ीरो इरेज़र यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ब्राउन कलर मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा था जहाँ, लेकिन अभी भी हल्का हल्का ब्राउन कलर बचा हुआ है। मैं इसे एक दो बार ब्लेंड भी करूँगी क्योंकि यहाँ पेंसिल है, कलर पेंसिल को हमें ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट यहाँ पर मैंने पेंसिल यूज़ किया डबली, तो यहाँ मैं ब्लेंड भी करती रहूँगी बीच में येलो, ग्रे, ब्राउन, जो भी शेड्स जहाँ पर रेफरेंस में यूज़ करना होगा वो कर सकते हैं। अभी ये हेयर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनके क्लॉथ्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।